Boys, क्या तुम लोगों को पता है माइनक्राफ्ट के क्रीपर के बारे में? So actually आज के दिन मैं एंड मेरे फ्रेंड हितेश भाई हम लोग आराम से एक्चुअली बात कर रहे थे डिस्कॉर्ड पे, उसी समय मेरे को ये वीडियो रिकमेंड होती है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माइनक्राफ्ट फर्स्ट क्रीपर। एंड ये देखने के बाद आई वाज लाइक एक्चुअली मेरे को भी जानना है कि आखिर माइनक्राफ्ट का सबसे पहला क्रीपर बना कैसे था। मैंने क्या किया, मैंने हितेश भाई को बोला कि आ जाओ हितेश भाई, पता लगाते हैं कि आखिर माइनक्राफ्ट का फर्स्ट क्रीपर कैसे बना है। इसका एंडिंग तुम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो यार ऐसा तुम लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी वीडियो एंजॉय करो। मेरे को जस्ट अभी ये वीडियो मिली है पाजी, इसका नाम है द स्टोरी ऑफ माइनक्राफ्ट फर्स्ट क्रीपर। यू नो लाइक इसका मेरे को थंबनेल, लाइक ये आपको थंबनेल दिख रहा है ना, मेरे को ये थंबनेल बहुत ज्यादा प्यारा लगा था इसका, ठीक है। कितना क्यूट क्रीपर लग रहा है, जो मर्जी बोलो यार। तो मेरे को एक्चुअली कंफ्यूजन था कि आखिर माइनक्राफ्ट का फर्स्ट क्रीपर कैसे बना होगा, तो आई थॉट कि ये वीडियो देखते हैं। अपन दोनों लोग ऑनलाइन थे, ठीक है, मैं ऐसे ही वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, तो आई थॉट कि लेट्स सी। पाजी आप रेडी है? पाजी बिल्कुल रेडी, पाजी क्रीपर दी स्टोरी लगाओ पाजी। मेरे को एक्चुअली देख रहा था, मैंने सोचा वीडियो में देखूंगा। Did somebody forget a weapon? Yikes! A creeper that talks! Yikes! I'm not just a creeper child. I'm the भाई मैं बता पाजी, जब भी वीडियो कोई देखना स्टार्ट करता हूं ना, मेरे को हमेशा ऐड आ जाते हैं भाई इस पे। भाई घर ले लो, भाई घर ले लो, भाई घर ले लो, क्या माइनक्राफ्ट खेलना छोड़ो। The others are nothing compared to me. ये है माइनक्राफ्ट का फर्स्ट क्रीपर। Relax. I'm going to tell you the story of how I was born. If you can guess the moral of my story, I'll let you go free. Oh, okay. Make sure you're sitting down. This one is for the faint of heart. Actually, ये हम लोग के लिए भी चैलेंज है पाजी, ठीक है ना? Okay. कि अगर हम लोग को इसकी स्टोरी लाइक अच्छे से समझ, लाइक उसने क्या बोला था, मैं भूल गया। उसने बोला कि अगर तू मोरल ऑफ द स्टोरी बता देगी तो मैं तुमको जाने दूंगा, मैं तुमको रिहा कर दूंगा। Yes, अगर तुम स्टोरी का मोरल बता दोगे ना, ठीक है, इस स्टोरी का मेन मतलब क्या था, ठीक है, वो बता दोगे तो वो जाने देगा क्रीपर। एक्चुअली अपने लिए भी ये चैलेंज है पाजी। My curse began on a night like tonight, over 20,000 years ago. Time of ancient builders. 20,000 पहले फर्स्ट क्रीपर बना था। That's me. I didn't do much building. ये है फर्स्ट क्रीपर। I had a loving wife, intending the fields kept food on our table, until my hoe broke. Instead of helping me, the builders just laughed. Oh, look who's puny little hoe snapped. भाई बिल्डर ने इसकी मदद नहीं करी, पाजी हंस रहे हैं इसके ऊपर। इसका बदला लेने के लिए बन गया फर्स्ट माइनक्राफ्ट क्रीपर। For that experiment of yours. Experiment, your majesties? What experiment? You're about to find out. You can? Huh? I did feel myself slipping away. I wanted to ask the builders why, but I already had a pretty good idea. What are you doing to me? Let me go. Builders is super experiment. Are you sure? When we're done, she probably won't recognize you. No! Look on the bright side, peasant. You'll never be useless again. Now, the process was more painful than anything you can imagine. My chest burned as my old organs disappeared. And I grew new ones. अलग बन रहा है, सस्ता अलग। TNT डाल दिया उसके पेट में। बिल्ली। The pillagers are coming. Even in its changed state, my brain knew to fear the pillagers. They were murderous, ruthless barbarians. In a single night, they ride through our high city and steal everything that wasn't nailed down. Our golems were no match for them. We have to use our creation against the pillagers, or the city will be destroyed. The crafting ritual isn't finished. Actually? He hasn't grown his new arms yet. Look, pillagers se bachne ke liye banaye the creeper. Now. We don't have time to argue. They're sacking the city as we speak. Fine. But don't blame me if he comes out wrong. Okay. Disclaimer. Oi. Hello. Okay. We're done. How do you feel, peasant? I feel wrong. Where are my arms? No time to complain.
वो कह रहा हाथ का है मेरे भाई, मेरे को पीछे सुबह जाके वो भी करना होगा ना, हाथ से धोना होता तो कहाँ से करूंगा बे। मेरे को हंसी पता क्या आ रही, वो बोलता है वीर आर भाई आप, उसको क्रीपर बनने के बाद पहली चीज याद आ रही है कि मेरे हाथ का है भाई, सब छोड़ो मेरे हाथ का है। ठाकुर बना दिया भाई, ठाकुर बना दिया मेरे को। The pillagers are here. It's time to fulfill your destiny. अच्छा। Right here. और आ गया। Found them. Looks like it's builders for dinner, men. अभी देखियो भाई। Attack. Attack. How? What do I do? I don't have arms. इडिया कैसे करता है अटैक? It's simple, really. Just crawl over to the pillagers and explode. Explode? भाई explode करेगा तो मर जाएगा भाई। Yeah, duh. Exploding tends to do that. I don't want to die. Neither do we. And our lives are worth a heck of a lot more than yours. No. भाई. No. भाई कितने गंदे लोग हैं यार. I have to get back to my wife. You really think she'll recognize you now? You're a walking bomb. भाई मेरे को पाजी फॉर रियल इस बिल्डर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रही है। वो पता क्या बोल रही है, तू जा उसके पास जाके फट जा, तेरी जिंदगी कुछ नहीं है, तेरी डेस्टिनी है, ज्यादा है। वही डेस्टिनी है, जाके फट जाओ। वही कितने बुरे बिल्डर्स हैं भाई, मेरे को तो अभी क्रीपर पसंद आने लगा है। Now do what bombs do best and blow this pillager to kingdom come. I can't. I'm sorry. Peasant, वो मना कर दिया इसने, चला गया। ओ मना कर दिया उसने। ओ ये अब ओ भाई। Rushed home to my wife, hoping that our house on the outskirts of the city. ओके ये अपने वाइफ के लिए जा रहे हैं भाजी। पर इसकी वाइफ पहचानेगी नहीं इसको। No! कर तोड़ दिया भाई पिल्ले से। मर चुकी है इसकी वाइफ। Alexa? But of course, Alexa? I was wrong. Oh! Oh! Alexa इसकी वाइफ। Stevie's. It's okay. I'm here. I'm with you. What are you? It's me, Alexa. It's Stevis. No. You're a monster. You ate him and stole his voice. No, I'm your husband. Can't you recognize me? Stay back. Please go. Go. Away. अरे यार पर स्केल्टन बढ़ गई। It's okay. I don't know how I made it through the night without being attacked. But eventually the sun rose. पाजी I'm feeling bad for this dude man. नहीं अगर ऐसा ही आपके साथ हो कि आपको कोई बिना पूछे जो है ना एक क्रीपर बना दे, उसके बाद जो है ना आपसे बोले कि चल जा फट जा, तेरा फट रहा तेरा डेस्टिनी है, तू मर जाएगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड तुम भाई उसकी बात नहीं मानते हो, अपने घर पे भाग देते हो, तो तुम्हारी वाइफ तुम्हें नहीं पहचान रही है एंड मर भी जाती है, तुम्हारी वाइफ तुम्हें मॉन्स्टर बोल रही है। यार इसकी क्या गलती थी बेचारे की, भाई खेत में खोद रहा था उसको क्या पता था ग्री फार्मर था भाई, ग्री फार्मर उठाएगा तुमने क्रीपर बना लिया बेचारा यार। How would I survive without my wife? भाई बहुत सैड स्टोरी है यार इसकी तो। Then I realized I only wanted one thing, my revenge. Badla. Ah, abhi revenge lega ye. Par tum mar gaye na shayad. Hello. Ho, ek zinda hai. Anybody left? Peasant, how nice of you to return. For some reason, I thought you'd be too ashamed to ever show your face here again. But bhai, ye bahut kharab lag rahi hai ye ladki. Kitna jagah bhad ja. What's you ashamed of? You were weak. If you had done what I said and accepted your destiny, we could have had a fighting chance. My friend could still be alive. We need to put that behind us. You dare suggest I forget? अब भाई वो जब इनकी मदद करना चाह रहा है तब भाई कैसे बात कर रही है वो लड़की? I like the sound of that. But we're just two people. The pillagers have huge numbers. Exactly. I know how hard it is to haul heavy equipment. They can't have come from far away. I bet they're celebrating nearby. All we have to do is sneak up to the chief and boom. So you're in. That might be crazy enough to work. अब ये लोग actually pleasure से बदला ले रहे हैं क्योंकि इसकी वाइफ मार दी ना pleasure से पाजी. And my orders. Got it? As long as the pillagers die. We left our ruined city behind. भाई देख रस्सी, भाई कुत्ता है क्या वो? Who had killed my wife? It was a grim journey.
but my builder doggy bana diya bhai usko. Try to keep up, okay? It's hard to walk on these stumpy little legs. वैसे एक क्रीपर से थोड़ी ना प्रेजर की पूरी आर्मी बन जाएगी. नहीं नहीं उसका बॉस को उड़ा देंगे. अभी तो कह रहा था. Abandoning the mission. I won't. मुझे लगता है कि भाई ये इसको उड़ा देगा. मेरे को यही लग रहा है कि ये क्रीपर इसको ही धोखा देगा. Nightfall. That's when the monsters come out. What would you suggest? We stroll right up to the outpost in broad daylight? They'd kill us. We'll attack as soon as night falls. End of discussion. Fine. My builder friend. बांदा क्या रखा है भाई? ये लोग रात में अटैक करेंगे. भाई बांदा क्यों है? मेरे को एक्चुअली यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसको बांध क्यों रखा है? मैं वही तो कह रहा, भेड़ बकरी थोड़ी ना यार बेचारा. अच्छा इंसान लग रहा है मेरे को. I barely had control of my abilities. If a monster attacked, I was done for. इसको बांध रखा, अगर इसको मेरे कोई अटैक करेगा तो मर जाएगा भाई. आ भी गया जॉब भी. Builder, are you out there? भाई उसकी फट गई. उसकी जॉब भी को देखकर फट. ओ टोटली इस तरह से. Spider were crawling with monsters. And one wrong step could have ended me. I kept thinking about my wife and how, as long as I made it to the outpost, all this would be worth it. More zombies! पर zombies को attack क्यों कर रहे हैं? Creeper कहाँ attack करते हैं? Oh, वही वही. I missed लेकिन my hands. लेकिन ये first creeper है ना, इसको थोड़ी ना पता है. Builder, where are you? इसके हाथ ही नहीं, अब ये खड़ा कैसे होगा? Sheesh, stop whining. Where were you? Did you get us dinner? Well, bad news is I didn't find any food. Good news, I did a little recon and found the pillager outpost. Really? That easily? Sure. Come on, now's our chance to strike. Even then, I knew something ki jagah mil gayi hai actually. Builder's report seemed too good to be true, but I was either too tired, too scared, or too hungry. आपको पता बाजी ये क्यों भाग रहा था जॉब पे से? क्योंकि इसको थोड़ा पता है ये फर्स्ट क्रीपर है ना. या एग्जैक्टली. Wait. Wasn't this going to be a stealth mission? Sneak in and take out the chief? That was the old plan. This is the new plan. Barge in and blow up as many of them as you can, okay? Boy, kitni pagal hai bol rahi hai ki bhai tu ja and sabko maar de, sabke samne phat ja. Something wasn't right here. Where is everybody? Shouldn't there be pillagers celebrating everywhere? Upstairs, I think. Probably. Only one way. भाई ये लड़की धोखा देगी, कोई प्लेजर है नहीं बाजी यहाँ पे. प्लेजर होता अभी तक तो लड़ाई होने लगती है, लड़की इसको धोखा देगी दोबारा. Is there something you're not telling me? Of course not. Now let me snag you real quick. No, अब समझा ये क्यों बांध रखी थी इसको हमेशा से. बाजी देखना इसके साथ ये कुछ गलत करेगी. Biological super weapon as promised. भाई बेच दिया इसको. Our chief will be most pleased. Wait. भाई इस लड़की ने प्लेजर्स को भेज दिया इसको. Revenge thing was fun at first, but we need to be realistic, peasant. They'll spare our lives as long as you live in their dungeon and terrorize a few villages every week. Sound good? No. Well, you don't really get to say here. हर जगह मैं तो कह रहा हूँ सामने. Feel free to round him up. फट जा भाई, तो इसके सामने मार दे इसको. It looked like my life was over, like I'd never get my revenge. But then, something amazing happened. चार्ज क्रीपर. Suddenly I could see my destiny. I would destroy everyone who had oppressed me, builder and pillager alike. Nothing would be safe from my explosive wrath. Extra blast. Run! He's gonna. Bhai. Ore bhai. Maar diya. But it wasn't over. The sheer force of my rage was enough to put me back together. Some of my pieces were furious enough to become entire new beings. Eventually, there were millions of us. The builders and pillagers who had wronged us came to know us by a single name. Creeper. And creep we did. Across the land. Into caverns, ravines, and their nightmares.
पाजी आप समझे, ये जब फट गया था ना, जो इसके टुकड़े थे ना, उससे नए क्रीपर बने हैं। समझा, और जब वो फटेंगे शायद और भी आगे बने, तो मतलब ये अनलिमिटेड साइकिल अब चल चुका है। यस, जितने क्रीपर फटेंगे उतने क्रीपर बनेंगे। बट इस स्टोरी का मोरल क्या था पाजी, बताओ? अभी आगे चला से मेरे ख्याल आगे आएगा कुछ, अभी है थोड़ा सा। पूछेगा इससे क्या मोरल था। Have you figured out the moral? Don't trust anybody? Yes, don't trust. And now I'll set you free. Don't trust anybody. No. सही तो था मेरा। No. अच्छा इसको ट्रस्ट मत करो। इसको ट्रस्ट मत करो। मत मार। भाई उसने सही तो बताया फिर क्यों? अरे उसे सही बोला तभी तो। Don't trust anybody. उसको ट्रस्ट किया ना कि वो को छोड़ देगा लेकिन। सही बात। अभी सब सही समझा। क्रीपर ने बोला था कि इसका मोरल है डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी एंड अगर तुम सही बता दोगी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, ठीक है। लेकिन मोरल ही था कि किसी पे भी भरोसा नहीं कर रहा था, उसने क्रीपर पे भरोसा किया इसलिए फोड़ दिया। नाइस, पहले भाग जाती तो बच जाती ना। देखा मेरे को पता, बहुत देर तक समझ में नहीं आया था कि वो लड़की क्रीपर को बेच देगी, क्योंकि फौरन ये लगा था कि भाई अटैक करने जा रही है ये लोग। भाई बेच देगी भाई, बिल्कुल ही मतलब यार दिमाग में मिट्टी पड़ रखी है क्या। मेरे को तो हंसी आ रही है। सोचो आप आराम से खुदाई कर रहे हो, ठीक है, दो सेकंड में आपके पास कोई आता है, आपके सिर पे मारता है, आपको क्रीपर बना देता है, आपकी वाइफ आपको छोड़ देती है, ठीक है, आप बदला लेना चाहते हो तो आपको बेच दिया जाता है। ब्रो क्या ये स्ट्रेटजी चल रही है इसके साहब के साथ? बेचारा, पर एंड में जो उसकी लाभ थी ना, बहुत बढ़िया भाई। कीरा कीरा हूँ मैं। या गाइस, सो होप सो गाइस तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे तो आई है। दैट्स द रीजन मैंने ये वीडियो गाइस लाइक ये रिकॉर्ड करी थी, क्योंकि मेरे को ये वीडियो का टाइटल बहुत अच्छा है। आई वाज लाइक कि मैं इसको हितेश भाई के साथ देखता हूं और रिकॉर्ड भी करता हूं। या गाइस, आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है रचित, मेरे साथ थे हितेश भाई। हम लोग मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।